आपके गांव गढ़ी जालिम सिंह में जिकड़ी भजनों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, जिसके गायक कलाकार शिव सिंह श्योरावली, ढोलक पर संगति कर रहे हैं भाई गौरव मोरौली से, ऑडियो और वीडियो की रिकॉर्डिंग करता पंडित रोहतास डीजे साउंड, मंच संचालक हमारे दोनों ही गुरुजी हैं श्यामलाल मां साहब और अमर सिंह जी। सुनिएगा जिकड़ी भजनों का प्रोग्राम, क्या बता दिया श्री राधे। सभी के चरणों में शिव सिंह श्योरावली का हाथ जोड़कर नमामि नमस्कार, राम राम साहब। सज्जनों, ऐसा कोई खास गाने वाला नहीं, जो भी गुरुओं ने सिखाया है, जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो अपना बच्चा समझकर माफ करें। और सर्वप्रथम आपकी बस्ती में पहली बार आने का मौका मिला, लेकिन सुनिएगा भैया जी कैसे क्या बता दें। कवि ने लिखा, जिस भावना में भावना वो भावना बेकार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। सज्जनों, लिख दिया कवि ने, कैसे भैया गौरव। निरंजन से सतगुरु मेरे सोखा से दुलारो। तो भैया जी चलते हैं, जैसा कि कमेटी का अनुरोध किया भाई साखी, सुनिए साखी में क्या लिखा भैया। और मेरी बहनी और मेरी बहनरी रोई रोई की, और राधिका ऐसे
जो कि आपने 10-20 बार नहीं सुना हो। भैया जी कभी की कवतार गाने के ढंग लेता हुआ करते। सज्जनों एक समय का जिक्र है जब दुर्योधन को राजा बना दिया जाता है। दुर्योधन राजा होते हुए स्वयं अपनी पत्नी अर्धांगनी भानवती के महलों का पहरा दे रहा है। आहा सज्जनों इसी बात पर अंग देश से राजा कर्ण मिलने के लिए आते और जैसे ही हस्तिनापुर के अंदर प्रवेश किया क्या देखा सारी प्रजा सोई हुई है, स्वयं अकेला एक दुर्योधन जाग रहा है। इस पर कर्ण ने दुर्योधन से पूछा भैया क्या बात हो गई। जब सारी बातें कर्ण बताता है तो दुर्योधन कहता है कर्ण तू सुनना चाहता है, सारी बातें बताने योग्य नहीं होती। मैं रात के 12 बजे राजा होते हुए स्वयं अपनी पत्नी अर्धांगनी भानवती के महलों का पहरा किसके भैसे दे रहा हूं। हाँ भैया तो ले सुन। तो भैया जी कैसे बता रहे हैं क्या लिखा भैया। अरे बाला में मोतरे बाला में मोतरे पर सवायो पेश मेरी नाए काती है और महलन की जब याद करूं तो सोच फटी जाए छाती है। छत्रपति दुर्योधन राजा तेरा नभ में छत्र लहराया है, अरे ताप धूप तो व्यापे नहीं तेरी पंछी करते। बल्कि तो मैं कमी नहीं दुर्योधन, बल्कि तो मैं कमी नहीं, तू कैसे हिम्मत हारो है और तेरी कहां मैं मदद करूं कहे लखन यू पर के आरो है। उसका नाम तो बता, तू जिसके वैसे रात के 12 बजे पहरा दे रहा है, नाम सुनना चाहता है। हाँ ले सुन नाम कैसे मसा अरे भैया वो तो पास के भूपी को जायो और बुद्ध फूल कुमार बतला
जब कहा भैया राजा बासी का लड़का फूल कुमार जो रात के 12 बजे आता है, मैं उसे लड़ने की कोशिश करता हूं लेकिन ताकत में ज्यादा पड़ता है ताकत में। अच्छा जब ये बात सुनी तो मां साहब लंगड़ी ढोला में क्या जवाब दे रहा है, राधे गौरव क्या लिखा भैया, अरे नारा मेरी क्यों हो, 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 हो क्या, अरे नारा मेरी धोखो सो दे गई का पुरस्कार अंकल जी देते हैं हमारे लिए बार बार धन्यवाद। क्या हुआ हिला की ले ले राजा, और ये 100 रुपए का पुरस्कार ताऊ जी की तरफ से बार बार धन्यवाद। हिला की ले ले राजा फिर लंगड़े ढोला में साक्षात ये समझो कोशिश की है हरिराम गुर्जर जी की हल्की सी झकड़क क्या हेरे नाती के कोई धीरा को हरैया और चोरे में डूब गई है नैया, और चोरे में डूब गई है नैया। भैया अवधार जाके बंध गई जल की धारा,
जब इतना कहा तो मां साहब सुनिएगा उड़ान के माध्यम से क्या बता दिया भैया जी। कैसे मां साहब क्या कह रहा है दुर्योधन? सो भैया रे भाई साहब कैसे अल्लाह मचा रहे कहा है वो? सुनिए क्या लिखा भैया गौरव। बात दूरे सुन लीजो मेरी बात तू सुन लीजो सुन लीजिए साहब और गाना भी धार्मिक और मार्मिक। भैया गौरव कैसे हैं? एक समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम पंचवटी पर बैठे हुए हैं, साथ में है मां जानकी। लक्ष्मण से कहा, ए लक्ष्मण हम अपना स्नान बनाने के लिए जा रहे हैं, अगर कोई राक्षस या जीव जंतु पीछे से आए तो तुम अपनी भाभी सीता की रक्षा करना। लक्ष्मण चला जाता है और जैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम सामने जाकर के एक वृक्ष पर तोता का रूप बनाकर बैठ जाते,
और लक्ष्मण से कहा, ए लक्ष्मण तू बड़ा भागा है, तेरे साथ इतनी सुंदर स्त्री है, तू इसे लेकर यहां से चला जा। जब लक्ष्मण ने इतनी बात को सुना, लक्ष्मण जी नहीं समझ पाए कि भाई ये मेरे बड़े भाई राम हैं जो मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं। और आज लक्ष्मण जी आवेश में आकर के और उस तोते से कटु वचन कह देते हैं। और क्या कह रहे हैं भैया, कैसे भैया को? क्या तोता में देखे राम लखन फिर हिलकी